इसलिए कोलेस्ट्रॉल हार्ट का नंबर वन दुश्मन है। नमस्कार, हिंदी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। आज के इस नए वीडियो में हार्ट का नंबर वन दुश्मन कोलेस्ट्रॉल की चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, हार्ट को किस तरह प्रभावित करता है, यह शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसे नियंत्रित कर हार्ट को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है। इस वीडियो में इस बात की भी चर्चा करूंगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कौन कौन से कारण हैं और खाने के कौन कौन से पदार्थ के सेवन से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए अब मैं एक एक कर सभी की चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल क्या है जो हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। तो बता दें कि कोलेस्ट्रॉल मोम की तरह फैट होता है जो शरीर के सभी सेल्स में पाया जाता है और इसके निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त बॉडी को हार्मोन्स, विटामिन्स और डाइजेशन में मदद करने वाले एलिमेंट्स बनाने में इसकी जरूरत पड़ती है। इस तरह से देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए काफी उपयोगी है। जहां तक बात आती है कि यह कितने तरह का होता है तो बता दें कि यह मूलतः दो तरह का होता है। पहले को HDL कहते हैं, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, तथा दूसरे को LDL कहा जाता है, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। LDL हार्ट की नलियों की भीतरी दीवार में चिपक कर ब्लॉकेज बनाता है जिससे नली सक्रिय हो जाती है। इस वजह से ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही है, हार्ट अटैक की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है, इसीलिए इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL हार्ट की रक्त नलियों की दीवार में जमे LDL को समाप्त करने में मदद करता है, इसीलिए HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ है। तो बता दें कि आम इंसान की बॉडी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल स्वयं बना लेती है। इसका निर्माण लीवर में होता है। इतना ही नहीं, आप जो खाना खाते हैं उससे भी अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल बॉडी को मिल जाता है। यह बता दें कि शरीर में बने अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने या कम करने की खुद की एक व्यवस्था होती है, लेकिन इसकी मात्रा जब बहुत ज़्यादा होती है या इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वह दिल की बीमारियों तथा स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देता है। ऐसा इसलिए होता है कि यह दिल की खून की नलियों की दीवार में जमा होकर ब्लॉक बना देता है या ब्लॉक आपकी धमनियों को संकीर्ण कर देता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल बड़ी मात्रा में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल मूल रूप से एनिमल फूड में पाया जाता है। एनिमल फूड की बात करें तो सभी तरह के नॉनवेज जैसे मटन, चिकन, फिश, अंडा, बीफ में यह पाया जाता है। इसके साथ साथ दूध में भी बहुत बड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, क्योंकि दूध भी तो एनिमल फूड में ही आता है। कोलेस्ट्रॉल के साथ एक और उसका भाई होता है जिसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। यह भी ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है। इसकी डिटेल चर्चा अलग से एक वीडियो में करूंगा। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल किन किन स्थितियों में बढ़ता है, तो इसके लिए कई कारण गिनाए जा सकते हैं, जैसे गतिहीन जीवन शैली, एक्सरसाइज की कमी यानी शारीरिक श्रम नहीं करना, इसे सिडेंटरी लाइफ भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कई मेडिकल कारण भी कम जिम्मेदार नहीं है, जैसे वजन का बढ़ना या मोटापा, डायबिटीज भी इसके मुख्य कारण है। जंक फूड से भी कोलेस्ट्रॉल बड़ी तेजी से बढ़ता है। अब बात आती है कोलेस्ट्रॉल कैसे कम किया जा सकता है। तो बता दें कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए खानपान में परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ती है। भोजन में चोकर युक्त आटा, मोटा अनाज का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इन अनाजों में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ावा देता है। साबुत अनाज में सोल्यूबल फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है। इसके साथ साथ ब्लैक बीन्स, राजमा, लोबिया आदि को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फल की बात करें तो फाइबर से भरपूर फल में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता होती है। यह सेव, नाशपाती आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स आदि में डालकर खा सकते हैं या फिर इसका सूप बनाकर पी सकते हैं। हरी सब्जी में भी प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है। इसके सेवन से भी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि
कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए लाभदायक होने के साथ साथ शरीर में हार्ट डिजीज तथा स्ट्रोक को डेवलप करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अंत में यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकॉन को पुश करें ताकि आगे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके।